नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जन सावधान एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जयशंकर तिवारी, जयशंकर ठाकुर जी। ही इज अ वन ग्रेट पर्सनालिटी इन आवर एरिया एंड ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। And Jayashankar Thakur ji brings each and every community and each and every party platform on one platform, and he is working all the best for each and every humanity. And I thanks once again to Jayashankar Thakur ji that he is such a good personality. Whatever occasion may be, whether Holi, whether Diwali, whether anything, or if any problem creates in locality or in our Mumbai, he is the first man to stand and make us united. And we all walk with Jayashankar Tiwari ji. And once again, I am very thankful to Jayashankar Tiwari ji, Thakur ji, that he is one motto and a mission for our young generation, that he brings all together in one platform and always he is first. Whether it is a sad, whether it is sorrow, whether it is a happiness, he is one biggest personality. I salute Jayashankar Thakur ji. That we all are with you ahead also, and thank you so much, and I thank all the media. Thank you so much. पावन पर्व होली सम्मेलन पे, होली पावन पर्व के सम्मेलन में हमारे जितने पदाधिकारी इस होली सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं, हम ये लोगों से आग्रह करेंगे कि इस पर्व के द्वारा, आपके सूचना तंत्र द्वारा, ये लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि मन की जितनी कलुषित भावनाएं हैं लोगों के अंदर में, कृपया उसे त्याज करके, उसे छोड़ करके नए भारत के निर्माण में वो आगे रहें। जो कलुषित भावनाएं हैं उनको इस होलिका दहन के पर्व में, होली में उन्हें दहन करके एक नव निर्माण समाज की स्थापना करें। भेदभाव, जो भी भेदभाव इस हमारे समाज में फैला हुआ है, इसको दूर करने का ये हमारा प्रयास जन सावधान के द्वारा रहा हुआ है। हम यही अपेक्षा भी करेंगे, यही उम्मीद भी करेंगे, लोगों से भी यही कहेंगे कि नए भारत के निर्माण में, नए समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में मन की कलुषित भावनाओं को त्याग करके एक समाज, एक परिवार और एक देश की उन्नति में हम सब कामयाब हों, यही मेरी गुजारिश है। और जितनी मन की कलुषित भावनाएं लोगों में फैली हुई है, इसको दूर करने का प्रयास हमारा है और हम कटिबद्ध हैं इस जन सावधान के द्वारा। मैं यहाँ पर सैकड़ों उपस्थित हमारे भाई बहन और मंच पर उपस्थित सभी साथियों, आज जो यहाँ पर ये मेरा जन सावधान का पहला वर्ष है, होली मिलन का आज यहाँ से शुरुआत हुआ। हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या राष्ट्रवादी हो, या मनसे हो, सभी लोगों का, पत्रकारों का, जो यहाँ सब मिल करके इकट्ठित होकर के आज ये शुरुआत जो किए हैं तिलक होली का, जो होली जलाने के बाद ये तिलक होली खेली गई, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी इसी तरह हम रहें या न रहें, वो इस परंपरा को, तिलक होली को चलाते रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। हर देश, हर दुश्मनी भुला करके एक दूसरे को गले लगाने का ये तिलक होली, न किसी प्रकार का भेद है, न भाव है, करते रहेंगे। इसीलिए सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और मेरा आज से नारा दिया, हम भर देंगे मानवता के रंग, जन सावधान संगठन में उड़ेगा गुलाल का रंग, ऐसे हर वर्ष उड़ते रहे एक गुलाल का रंग, अपनी माटी, अपनी पहचान बनाए रखे, चाहे देश रहे चाहे परदेश रहे, इसकी परंपरा को सदियों से जो चली आ रही है वो आगे भी चलती रहे, यही भाव शुभकामनाओं के साथ मैं सभी भाइयों को बधाई का पात्र हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। हमारे संस्थापक सदस्य यहाँ पर प्यारे लाल जी आए, रामफेल शुक्ला जी आए, अब्दुल करीम जी आए, हमारी बहन बीना जी यहाँ पर आई हैं, समाज सेविका भी हैं और इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, उनको भी सभी को बहुत बहुत बधाई देते। हमारे प्रकाश
हमारे भानु प्रकाश मिश्रा नवभारत टाइम्स के, हिंद माता के इस्माइल शेख जी और हमारे संगठन भारत के और अनेकों पत्रकार यहाँ पर आए हैं, उसके लिए इस समारोह में, इस सम्मेलन में जो भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और बधाई देता हूँ कि भविष्य में ऐसे इस कार्यक्रम किया जाए, जागरूकता समाज में लाई जाए और धर्म जो और धर्म की जो स्थापना हुई है वो आगे तक चलती रहे, ये जो भाईचारे का परंपरा है बनी रहे, न सबका ब्लड लाल है और लाल ही रहता है, इसी को बोलते हैं गुलाल, और गुलाल में वो परिवर्तित करके गुलाल जो आज खेला गया, बहुत बहुत बधाई सबको देता हूँ, भाइयों को जो यहाँ पर गुलाल खेले, गुलाल चंदन लगाए, धन्यवाद। इसी दो शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।